पहनना क्या नहीं अगर पहनना धर्म है, की बात है तो मैं ठीक है बोलता हूँ बुर्का क्या समाज से प्रेरित पहनावा है कि ठीक है। धर्म से प्रेरित बुर्का बोलिए पहनने की। अगर इनको इतनी तकलीफ है ना, मेनका गांधी को रात को 12 बजे घर से निकाला गया था, जरा उनको न्याय गए थे दिलाए। देखने। अब सुनिए, नहीं तो देखिए कितने प्रवक्ता गिरी सरकार ज्यादा दिन तक पत्रकार हैं, नहीं सात चलेगी। आप पत्रकार हैं कांग्रेस की भाई। लुटिया डुबो रहे हैं। फटी जींस का समर्थन सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके विचार फटे हुए होते हैं। मैं ये वो कांग्रेस नेताओं पार्टी की से बात नहीं गुजारिश कर रहे हैं हमारे करूंगा में, कि इस प्रवक्ता की जरा जानकारी ले हमारे जाए किस मुख्यमंत्री तरीके के साहब धक्के ये नेताओं दे की रहे हैं। बात ठीक नहीं है, कर रहे कैसे हैं, सर ये प्रवक्ता ये समाज की लोग बात यहाँ कर रहे दिखाई दे हैं। रहे हैं। पहले अपने ऊपर ठीक अपना है लीजिए हेलो त्रिपाठी जी, अपनी नेता को फटी हुई जींस हेलो पहना के एक चुनाव मिनट, प्रचार में ठीक है भेजिए, शायद अमेठी की सीट आपको वापस मिल जाए। एक पल्लवी कपड़ों जी की एक मर्यादा आ होती रही है, हूँ, आ रही हूँ संदीप जी आपके पास। आपकी मर्यादा आपके कपड़ों से भी झलकती है। जो आप भारत संसद में 30% भारत की 60 करोड़ रोकने देवियों को जो लगे, आप रोकने फटी जींस पहनाना चाहते हैं, लगे, आप पहले अपने नेता को रोकने फटी लगे। जींस पहना आप करके अपने घर का चुनाव में देख लीजिएगा, उतारिए। घर का देख लीजिएगा। अरे आप समाधान तो जी मैं आपके देखा पास हूँ आना नहीं, इनकी चाहूंगी। नेता क्या कहीं आप जाएंगी पहनना तो चाहेंगी? 56 की साड़ी पहन के जाएंगी ठीक है और चलिए, भारत की बहू समाधान बेटियां जी फटी हुई जींस पहन के घूमे। देखिए एक तरफ फटी अरे हुई जींस है भाई और दूसरी देखिए, तरफ ये फटे हुए विचार हैं इनके। आपको बता दें फटी जींस के बयान पर क्या तीरथ सिंह रावत घिर चुके हैं, ये आरएन न्यूज पूछ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगातार तीरथ सिंह रावत अपने बयान के बाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप कपड़े तय करेंगे कि महिलाएं आखिर कितनी संस्कारी हैं? क्या बीजेपी को सोच बदलने की जरूरत पड़ चुकी है? यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी महिलाओं के कपड़ों की लंबाई। यहां पर आपको बताते चले फटी जींस पर तीरथ सिंह रावत जब से घिर चुके हैं, विपक्ष लगातार तीरथ सिंह रावत पर हमलावर हो चुका है। कितनी संस्कारी हैं महिलाएं, ये क्या अब उनके कपड़ों से तय किया जाएगा? और ये क्या अब राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी? क्या बीजेपी को सोच बदलने की जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल आर्या न्यूज पूछ रहा है। ये गणेश जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ठीक है अखिलेश उपाध्याय जी, किस तरीके से देख रहे हैं मिश्रा जी आप इस बयान को? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, सवाल ये पर्टिकुलरली ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपके परिधान किस तरीके से होने चाहिए। किसी भी देश का जो परिधान होता है वो वहां का जो माहौल है, वातावरण है, इस हिसाब से वहां की संस्कृति के हिसाब से होता है। मैं इसको राजनीति का मुद्दा ना बना के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर किया जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या बीजेपी के जो प्रवक्ता तीरथ लोग सिंह बैठे हैं रावत कर मिश्रा नहीं पा जी, रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। मैं आपको बता दूं, जींस की उत्पत्ति की बात हो रही है तो जींस की उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि पहले ये गरीब गुरबे और मजदूरों के लिए वस्त्र होता था, क्योंकि ये मोटा होता था तो काम करते हुए थोड़ा सा चोट से बचाता था। जींस आप पहनिए, ये सही मैं मानता हूं, चलिए आप पहनिए, मॉडर्निटी है, फ्रीडम है, लेकिन कहीं से फटी हो, वहां से फटी हो, ये ना तो वैज्ञानिक है और ना ही भारतीय परंपरा के हिसाब से ये है। इंग्लैंड में क्या परंपरा है और मक्का मदीना में क्या परंपरा है, अरब में क्या परंपरा है, उसका और हमारे परंपरा से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्णतया वैज्ञानिक बातें हैं कि स्त्रियों का परिधान कैसा हो, पुरुषों का परिधान कैसा हो, भारतीय जो डिफिनीशंस हैं, जो चीजें बताई गई हैं, वो पूर्णतया वैज्ञानिक है और सर्वश्रेष्ठ हैं अपने माहौल के हिसाब से। तो इसका मतलब महिलाएं जो कपड़े पहन रही हैं उस हिसाब से वो संस्कारी पल्लवी नहीं है जी, मिश्रा जी? नहीं, जो कपड़े पहन रही हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक पल्लवी कपड़ों जी की एक मर्यादा होती है, आ रही संदीप जी आपके पास। आपकी मर्यादा आपके कपड़ों से भी झलकती है। अगर आप मर्यादित कपड़े पहन रही हैं और वैज्ञानिकता की कसौटी पे वो अगर खड़ी हैं यहाँ के टेम्परेचर और जलवायु के हिसाब से, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप ये बोलिए कि इंग्लैंड में, मैं तो चैलेंज करता हूं किसी को, जिस तरीके से इंग्लैंड में सनबाथ लेते हैं, अगर आप इतने ही मॉडर्न है तो सड़क पे घूमिए, जाके नदी के किनारे जरा सनबाथ लीजिए, आप देखिए क्या होता है। स्थिति है संदीप त्रिपाठी जी, प्रतिक्रिया आपकी? हर चीज का गलत ठीक मतलब है नहीं संदीप निकाला जाना त्रिपाठी जी, चाहिए। आप बताइए, मतलब समझिए कि सिर्फ मुख्यमंत्री सिर्फ इसीलिए बदला गया क्योंकि वो हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे वो मुद्दों को भटका नहीं पा मैं रहे थे। बता रहा हूँ सर, ये कांग्रेस के इनको अब प्रवक्ता है असल में ना ज्यादा जी जी उछलता, संदीप मैं त्रिपाठी जी, आप नहीं, धोती के आप नीचे इनको पता नहीं बोलिए क्या क्या देख कि ये लेते। पिछले 10 सालों से इसीलिए सत्ता में नहीं है। आप अपनी भाजपा के नेत्री को, मित्र, आप अपने अगर नेता आप को कोई जरा धोती पहने होता है जींस तो की धोती फटी के हुई नीचे पता पैंट नहीं क्या पहना के देख चुनाव लेते। प्रचार के लिए अरे भेजिए, धोती के आप नीचे नहीं सत्ता देखने में आ देते जाएंगे। भाई, आप अपने धोती के नेता नीचे को नहीं देखने फटी देते। हुई अरे जींस बस ऊपर करिए, से लेकर अरे नीचे तक पहना आप के धोती गंगा के नीचे नहा नहीं के देख चुना रहे भाई। भेजिए, अरे आपको वोट मिल आप जाएंगे, भेजेंगे। बेरोजगारों का आप चेंज बेरोजगारी अपने नहीं दिख नेता रही से है, करिए,
अपने नेता को फटी हुई जींस पहना के चुनाव प्रचार के लिए भेजिए, आप सत्ता में आ जाएंगे। बोलिए त्रिपाठी जी, अपने नेता के ऊपर आप फटी हुई जींस वाली बात लेते हैं? आप उनको फटी हुई जींस पहना के चुनाव प्रचार में और गंगा स्नान के लिए भेजेंगे? खुद जाएंगे गंगा स्नान? ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी की बात सुन लीजिए। ठीक है और दूसरे लोगों की बात सुन लीजिए, बहु बेटियों को बोलेंगे छोटी चीज का ये समर्थन करते हैं। ठीक है ठीक है, संदीप जी बात पूरी करिए। पहले अपने ऊपर अपना लीजिए त्रिपाठी जी, अपनी नेता को फटी हुई जींस पहना के चुनाव प्रचार में भेजिए, शायद अमेठी की सीट आपको वापस मिल जाए। पहले अपने ऊपर अपना लीजिए त्रिपाठी जी, अपनी नेता को फटी हुई जींस पहना के चुनाव प्रचार में भेजिए, शायद अमेठी की सीट आपको वापस मिल जाए। ठीक है, चर्चा नहीं होती है। संदीप जी बात पूरी करिए, एक मिनट संदीप जी। हमारे हमारे भाजपा के मित्र जो अभी तक दुहाई दे रहे हैं, अरे देखिए वो बारिश की सरकार है, आप अपने नेता के ऊपर नहीं, फटी हुई जींस पहना के अमेठी में भेजिए। एक तरफ फटी हुई जींस है और दूसरी तरफ ये फटे हुए विचार है इनके। आप 30% महिलाओं की आरक्षण की बात होती है, यूपीए किस प्रकार जब होती है, बिल आता है आप समर्थन नहीं करते हैं, आप आज आज का नाम ही नहीं लेते। जो भारत भारत की 60 करोड़ देवियों को जो आप फटी जींस पहनाना चाहते हैं, आप पहले अपने नेता को फटी जींस पहना करके चुनाव में उतारिए। घर का देख लीजिए, पास आना चाहूंगी। इनकी नेता कहीं जाएंगी तो 56 गज की साड़ी पहन के जाएंगी और भारत की बहु बेटियां फटी हुई जींस पहन के घूमे। देखिए ऐसे करेंगे, इनको शर्म नहीं आती है? उदाहरण नेता है अभी तक हाथ चड्ढा पहनकर घूम रहे थे। देखिए मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ ये कहना कि हम भारत को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, हम डिजिटल बनाना चाहते हैं, भारत को दुनिया में उसका नाम कमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की मानसिकता। अरे मैम, आप लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। आगे विकास का, ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ समझौता कर लीजिए, वैज्ञानिक पहलुओं को आप नजरअंदाज कर दीजिए। आपको डिजिटल इंडिया बनाना है तो नंगे होकर के डिजिटल इंडिया बनेगा। भाषा की गरिमा, भाषा की गरिमा मिश्रा जी। सुनिए, अगर इतनी बड़ी विकास की, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अपने नेताओं को, आप अपने नेताओं को फटी जींस पहना करके गंगा जी में नहाइए, शायद भारत का विकास हो जाए। यहाँ पर बात नेताओं की नहीं है, यहाँ पर बात पूरे देश की महिलाओं की। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मत जाइए मिश्रा जी। मेरा सवाल ये है, फटी जींस पहना, भाषा की गरिमा के साथ जवाब दीजिए। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जब आप फटी जींस पहनेंगे तभी देश का विकास होगा। सुसभ्य तरीके का पहनावा पहन कर देश का विकास हुआ है, ये नहीं था। मेरी बात जिन महिलाओं ने मांत्रिक किया इसरो में, किसी ने फटी जींस नहीं पहनी थी, मिश्रा जी, क्या एक जींस के बल पर ये तय किया जाएगा कि महिलाएं कितनी संस्कारी हैं और वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी? आप बताइए ना मिश्रा जी, सब साड़ी पहन के आती। बात विपक्ष की नहीं है, बात ये है कि क्या एक जींस के बल पर अब ये तय किया जाएगा कि महिलाएं कितनी संस्कारी हो, अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी, ये इसका जवाब दीजिए। आप मुझसे पूछ रही है? बिल्कुल मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर एक देश की परिकल्पना है, एक संविधान की परिकल्पना है, अनपार्लियामेंट्री ड्रेसेस कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, चाहे सोसाइटी हो चाहे घर हो। हर संविधान, हर देश एक परंपरा से बंधा होता है। कहाँ क्या होता है हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक गौरवशाली परंपरा रही है। हम जितने रिच रहे हैं फैशन के मामले में, मेरा आज भी चैलेंज है, जितने रिच और साइंटिफिक हम फैशन के मामले में रहे हैं, चाहे पुरुषों का फैशन रहा हो चाहे महिलाओं का फैशन रहा हो, आज दुनिया में आज भी कोई ऐसा नहीं है, चाहे इटली का मिलान शहर हो चाहे जो, मैं वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहा हूँ। इन चीजों को, इन पहनावों को आप पर्सनली अपने घर में भी कोई अप्लाई नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, ना ये वैज्ञानिक है, ना ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ना हमारी जो हमारा सामाजिक कल्चर है, ना ये उसके ताने बाने में फिट होता है। किसी एक एंगल से फिट हो तो मुझे बताइए, इसका समर्थन, फटी जींस का समर्थन सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके विचार फटे हुए होते हैं। खुद गंगा जी नहाने जाएंगे, रैली में जाएंगे, इनके नेता 56 गज की साड़ी पहन के जाते हैं। जाइए ना फटी जींस पहन करके रैलियों में, हाथ हिलाइए ना फटी जींस पहन के। आपके पास भी दो दो बड़े दिग्गज नेता हैं, फटी जींस पहनवा के उनको रैलियों में लेके जाइए। संदीप त्रिपाठी प्रयोग करिए, फिर बताइए। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। पहली बात तो जिस तरीके से निजी टिप्पणी कर रहे हैं हमारे, अभी मैं अगर कह दूंगा तो इनके अपने घर का हाल पहले देख लीजिए, दूसरों पर जाइए। देखिए पर्सनल कमेंट नहीं,
भाषा की गरिमा, जवाब दीजिए सवाल का सिर्फ। संदीप त्रिपाठी जी, आप ये बताइए, हमारे मित्र को दूसरे के मतलब कपड़े देखने, अगर ये धोती जो पहनी जाती थी तब तब ये नहीं थे, नहीं तो जब ये पता नहीं क्या क्या देख लेते धोती के नीचे से, मतलब बड़ी विडम्बना है कि आप बताइए कौन सा पहन रहा है, ये आदमी की आजादी है। आजादी नहीं है सर, आदमी कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा ये भी आजादी है। या तो आप ये मान लीजिए आप जंगली हैं तो आजादी है, जानवर की तरह रहिए। अगर आप समाज की बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं तो हर जगह आजादी नहीं है आपको, आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। मोदी जी के लाए हुए जिन टारगेट के साथी, सुन लीजिए बात पूरी करिए जल्दी से संदीप जी, और देश के लिए जाना है मुझे, एक एक करके एक एक करके। ठीक है ठीक है, जवाब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ, कई बातें उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि देखे देश की। फिर विपक्ष इसे महिलाओं का अपमान बताकर तूल क्यों दे रहा है? देखिए मैं बात केवल विपक्ष की नहीं करता हूँ, बहुत सारी महिलाओं की स्वयंसेवी संस्थाएं भी होंगी जो कि इस बात को तूल दे रहे हैं। मैं वैज्ञानिकता के आधार पर मैं बात करता हूँ, आप मुझे ये बताइए, बहुत बड़े जो सर्जन होते हैं, जो बहुत बड़े सर्जन होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं, फटी और अच्छी जींस की कमी नहीं है, जब वो ओटी में जाते हैं, सर्जरी थिएटर में जब वो जाते हैं, तो उनका ड्रेस क्या होता है वहां के माहौल के हिसाब, बहुत साधारण ड्रेस होता है। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ जो भी फैशन रहा है पुरातन काल से, हम फैशन के मामले में गरीब नहीं है, ये तो लोगों ने हमें कुंठित कर दिया है। हमारे यहाँ इतने तरीके के परिधान पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, और मौसम के हिसाब से गर्मियों में क्या पहनना चाहिए ये लिखा हुआ है, क्या खाना चाहिए सुबह दोपहर शाम को ये लिखा हुआ है, ये निर्देशित है। हमारे यहाँ का परिधान केवल फैशन के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सके, आपका शरीर अच्छे से स्वस्थ रहे। ये फटे विचारों वाले लोग हैं जो फटी जींस को अपना आदर्श मान रहे हैं। जितने भी पैनलिस्ट पक्ष विपक्ष के नेता जो फटी जींस का समर्थन महिलाओं के लिए करते हैं, मैं बोलूंगा आपकी पार्टियों में महिला कार्यकर्ता है, सबको फटी जींस पहना करके चुनाव प्रचार में भेजिए। टॉप लीडर से लेकर बॉटम तक जितने लोग आपके पार्टी में महिला कार्यकर्ता हैं आप भेजिए। जयललिता जब वोट मांगने जाती थी राजनीतिक सामाजिक जीवन में आई तो 56 गज की साड़ी, श्रीमती इंदिरा गांधी 56 गज की साड़ी के नीचे कभी उन्होंने नहीं पहना सार्वजनिक जीवन में। प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा संगम में स्नान करते हुए 56 गज की। श्रीमती गांधी को जो साड़ी मिली थी शायद शादी में वो भी बनारसी साड़ी थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को सिखा दिए होते। आपके नेताओं ने भी कभी भारतीय परिधानों को क्रिटिसाइज नहीं किया है, अपनी लुटिया क्यों डुबो रहे हैं सर? स्मृति ईरानी जी को आपकी महिला नेता हमेशा से भारतीय परिधान उनकी पहली पसंदीदा परिधान रही है, आपकी यहाँ पे बैठ के उच्च शीर्ष नेताओं की लुटिया डुबो रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करूंगा कि इस प्रवक्ता की जरा जानकारी ले लें किस तरीके के मंत्री नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए जवाब आप ले लीजिएगा तभी, अगर अन्यथा मैं टिप्पणी बंद कर दूंगा। अब हमारे भाजपा के दोनों मित्र सुन ले, दोनों इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, आप समझिए। अब देखिए उछलना शुरू कर दिए दोनों लोग, उछलना भी सुन लेते हैं। मिश्रा जी बोलिए, सुन लीजिए। देखिए आप कह रहे हैं कि हमारे सभ्यता और संस्कृति में लिखा हुआ है कि किस मौसम के हिसाब से कपड़े पहने जाने चाहिए, किस हिसाब से नहीं पहने जाने चाहिए, तो पुरुषों के लिए भी तो कुछ थे, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप धोती पहनते हैं क्या? क्या मिश्रा जी अभी धोती कुर्ता पहनकर बैठे हैं क्या? आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आज अतुल सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो कहा करते थे, मोदी जी तो चूड़ीदार पैजामा, अभी दूसरे टाइप का ड्रेस, चार रैली करते हैं, चार पटरों के ड्रेस, उस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। आप महिलाओं पर सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे, समाज पर टिप्पणी करेंगे, महिला समाज पर, ठीक है, और आप उसका कंपेरिजन नेताओं से करेंगे। ठीक है, मैं अपने मित्र को मैं बता दूं, मैंने दो चीजें बोली हैं, जो भी परिधान आप पहने, मैंने ये नहीं बोला कि वेस्टर्न कल्चर के किसी भी परिधान से किसी को एलर्जी है, सभ्य तरीका सबसे पहले होना चाहिए मौसम के हिसाब से, पहले आप, अरे आप पहनने की बात नहीं है, रही बात धोती कुर्ता पहनने की, भारतीय परिधानों की तो हमसे ज्यादा आपने नहीं पहना होगा, और आज भी हम पहनते हैं।
सुन लीजिए, अभी पहने दूसरी चीज, दूसरी चीज आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, मैं फटा हुआ कपड़ा आपकी तरह पहन के नहीं बैठा हूँ, ना मेरे विचार फटे हैं। आपकी अगर मैं शर्ट और पैंट भी अभी देख लूँ ना तो वो फटा हुआ होगा। फटे हुए कपड़े पहन के मैं नहीं बैठा हूँ, बात है फटे हुए कपड़े की हो रही है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हो रही है, कपड़े पहनेंगी क्या उसे भी लोग तय करेंगे? क्षमा खान जी, महिलाएं अब जो कपड़े पहनेंगी क्या वो भी अब तय किया जाएगा? नहीं, ये चीजें गलत हैं। देखिए, सबको आजादी है अपने चॉइस से कपड़े पहनने की, खाने की, हर चीज की, लेकिन भारतीय संस्कृति का अगर ये लोग हवाला दे रहे हैं तो भारतीय संस्कृति में तो बहुत लंबा घूंघट आता है, वो फिर सबके लिए है। लेकिन एक फ्रीडम है, हिंदुस्तान ने एक आजादी दे रखी है, और कपड़ों के हिसाब से आप किसी के कैरेक्टर नहीं आप डिसाइड कर सकते, या कि वो संस्कारिक नहीं है ये भी नहीं डिसाइड कर सकते। ये चीजें गलत है। एक बोलने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो आप अपने घर से शुरुआत करें, पहले उसको सही करने की। देखिये, तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा, उनके बयान को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कैसे समझाया, भाषा की गलतियां हो सकती है, भावनाओं की। मैं मैम की बात करता हूँ, मैम बोल रही है घूंघट, मैं बोलूंगा बुरका। इनको फर्क ही नहीं पता है घूंघट का साइंटिफिक रीजन क्या है और बुरके का क्या है। रही बात कपड़ों से संस्कृति क्यों नहीं झलकती है, अगर कपड़ों से संस्कृति नहीं झलकती है तो सब फ्रीडम है सबको, और सारे कामों में फ्रीडम है, केवल कपड़े पहनने में ही क्यों फ्रीडम है? फिर आप सारे कामों में फ्रीडम दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्क में भी संविधान के हिसाब से अगर आप गलत तरीके से बैठे हैं, कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। अश्लीलता फैलाने वाली कोई भी एक्टिविटी, चाहे आपके परिधान हो चाहे जो भी हो, वहां पे संविधान का डंडा, कानून का डंडा चलता है। न तो इनको अपने धर्म के बारे में पता है, न धर्म के मर्म के बारे में पता है, न पहनावे के बारे में पता है, न यहाँ की संस्कृति के बारे में पता है, और न गल्फ की संस्कृति के बारे में पता चल रहा है। कौन बोलता है कि कपड़ों, कौन बोलता है कि पहनावे से आपकी सभ्यता नहीं झलकती है, या आपके आचार विचार का जो है कोई एनालिसिस नहीं होती है? आप अपने लिए कुछ और कर रहे हैं, बाकी सबके लिए कुछ और है। आपको मेरे बारे में कैसे पता है? नहीं, मैं आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जन सामान्य की बात। अरे, आपके तर्कों से मुझे पता चला, आपकी भाषा से मुझे पता चला। आप नहीं, बिल्कुल आप कैसे घूंघट को गलत बता रही हैं? आपने घूंघट देखा है? घूंघट का क्या रीजन है आपने देखा है? आप देखा क्या देखा हुआ है? भारतीय संस्कृति नहीं, वो बुराई कैसे, नहीं घूंघट बुराई कैसे हो गई? किसने कहा बुराई है? घूंघट हमेशा सफिशियंट ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि प्रकाश और रोशनी और हवा हमेशा आगे पीछे अंदर बाहर आती जाती रहती है। घूंघट को, घूंघट को आप वो ब्लैक कलर के लॉकर से कंपैरिजन मत करिए। अगर इतनी फटी जींस पहनाने की वकालत आप करती हैं, तो जरा 20 करोड़ महिलाओं को जरा मॉडर्न बनाइए ना, मुस्लिम महिलाओं को फटी जींस की वकालत करिए। आप अपने समाज से बोलिए, आप अपने समाज से बोलिए, जरा विरोध करके देखिए, आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, आप अपने समाज में रह नहीं पाएंगी। बोलिए ना उनको, जरा फटी जींस पहना के घुमाए सड़कों पर, फिर हम देखें कौन कितना मॉडर्न है। उनकी चॉइस है ना। नहीं तो आप ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर आप थोप रही हैं? घूंघट के ऊपर थोप रही हैं? घूंघट से आपको परहेज है? अरे पहले घर में दीपक जलाइए, पहले घर में दीपक जलाइए, मस्जिद में घी का दीपक बाद में जलाइए, पहले घर को रोशन करिए। धर्म को लेकर बोलने लगे, एक पर्टिकुलर उसको लेकर बोलने लगे। नहीं धर्म, मैं तो हमारे धर्म, हमारे यहाँ भारत के धर्म में, भारत की संस्कृति में। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, पैरामीटर सेट कर दीजिए ना, क्या पहनना है क्या नहीं। अगर धर्म की बात है तो मैं बोलता हूँ बुर्का क्या समाज से प्रेरित पहनावा है कि धर्म से प्रेरित? बुर्का पहनने की जो चॉइस है, मैं भी चॉइस है, मैं भी चॉइस से बैठी हूँ बिना बुर्के के। मैम जरा आप ये बोल करके कभी देखिएगा, आपको बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। हम तो देख रहे हैं ना कितने लोगों को कितना बवाल मचा है। ठीक है, ठीक है। स्वीडन ने बैन किया बुर्के को, हर जगह बैन किया। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया? दुनिया में बैन हो, क्षमा खान भी यही कह रही है, स्वाति मालीवाल ने भी यही कहा कि कपड़े पहनने का पैरामीटर अब बीजेपी सेट करेगी, और अगर ऐसे कपड़े पहने जाएंगे तो हो सकता है यूएपीए भी लगा दिया जाए। मिश्रा जी हमारे कह रहे हैं कि कपड़े जो है संस्कार को, संस्कृति को झलकाते हैं,
उससे पता चल जाता है कि आपके संस्कार क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। तो हमारे मिश्रा जी बताएंगे कि जो हाफ चड्ढा और हाफ शर्ट आरएसएस वाले पहनते थे वो कौन सी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। आप उनको राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र संस्कृति का ध्वजवाहक कहते हैं, आप बताइए वो कौन सी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का वो वाहक है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है मिश्रा जी, आप ये प्रश्न चिन्ह क्यों, हमारे जितने विरोधी मित्र बैठे हैं अगर ये काम कर रहे हैं जवाब ले। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, फटी जींस की तरह फटा दिमाग इन लोगों का है, फटी सोच है। मैंने शुरू में भी बोला, बात सुनिए पहले, बात सुनिए आप मेरी, मैं बोल रहा हूँ। आप कपड़ा कोई भी पहनिए सुसंस्कृत होना चाहिए। मैंने ये भी बोला पुरुषों के पहनावे में और महिलाओं के पहनावे में फर्क होता है हर समाज के हिसाब से, स्पेशली हमारे भारतीय समाज के हिसाब से। भारतीय समाज में हाफ पैंट और शर्ट अलाउड है, आप अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फटी जींस जो महिलाओं को और बच्चियों को, बेटियों को पहनाने की बात चल रही है, भारतीय पुरुष समाज केवल धोती पहन करके भी रहता है और धोती को ही कंधे पे डाल लेता है, वो अलाउड है वहाँ पे? किसके लिए क्या अलाउड है, क्या? अरे सर, मैंने आपको एक ही चैलेंज दिया है, आप तब आइएगा अपने विचारों को रखते हुए। आप अपने चीफ के दोनों नेताओं को फटी जींस पहना करके चुनाव प्रचार में उतारिए, कैंडिडेट में बैठिएगा। आप अपने दोनों नेताओं को फटी जींस पहना के चुनाव प्रचार में उतारिए, शायद आप चुनाव जीत जाएंगे। असली में सेक्युलर है और समर्थन। आपका आवाज पहुँच रही है तो समाधान की बात करते हैं। एक मिश्रा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये सही नहीं है। बोलिए आप अपने समाज में, आप एक रूल बना दीजिए, अगर आपको परेशानी आप एक रूल बना दीजिए, ड्रेस कोड लागू कर। ठीक है, रूल नहीं, बात आपने की थी कि फ्रीडम चाहिए, धर्म चाहिए, हम ये नहीं चाहते। लेकिन आप ऐसे जवाब हमारे मिश्रा जी ने बहुत अच्छा दिया। ठीक है, संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। बनाने की बात कर रहे हैं, मैं संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, किसी संविधान के जानकार से पूछिए था। संविधान में ये नियम है, ठीक है, आप सार्वजनिक स्थलों पे आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, ठीक है। मर्यादित रहने का मतलब, मतलब ये नहीं है कि आप जींस पहन रहे हैं तो ये अमर्यादित है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फटे कपड़े ठीक है, या तो आप भिखारी बन जाइए, बोल दीजिए भाई मेरे पास नहीं है मैं ऐसे ही रहूंगा, या तो आप एकदम इस लोक को छोड़ दीजिए, बोल दीजिए जेल में डालो, कहीं पे भी डालो। अगर आप समाज में है, सभ्य समाज में है, अगर आप ये मानते हैं आप सभ्य हैं और सभ्य समाज के बीच में रह रहे हैं, तो सभ्य समाज की मर्यादाओं का पालन आपको करना पड़ेगा, मन से, वचन से, क्रम से, अपने पहनावे से। नहीं करेंगे तो 10-10 साल तक सत्ता से ऐसे ही समाज आपको बाहर करके फेंक देगा, आपको सत्ता मिलेगी भी नहीं, मौके से भी नहीं मिलेगी। संदीप त्रिपाठी जी, जी भाजपा के हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि महिलाओं, संदीप त्रिपाठी जी, एके मिश्रा जी ने सवाल किया है आपसे। अच्छा, नहीं, इसके पहले भाजपा के मित्र भी हमारे, ठीक है, आप दोनों का जवाब देना चाहते हैं, दीजिए। कि पहले अपना घर देखिए, तो पहले अपना घर देखने हम गुजरात गए थे जसोदा बेन जी के पास, उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन के पतिदेव प्रधानमंत्री बन गए हैं, न्याय दिलाना तो मुश्किल, उनकी आवाज उठाना भी मुश्किल हो गया है। इस तरीके से करीबन लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया है और न तलाक लिया है और दूसरी शादी कर ली है, या तो जो है उनको छोड़ दिया है, किसी दूसरी स्त्री के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। आप बताइए, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, आप देखिए उनकी, अब देखिए आप महिलाओं की बात कर रहे थे, हम अपने ही समाज की बात कर रहे हैं, तो चाहे लिए आपको दिक्कत हो रही है, ये सच्चाई है। और ये बहुत ही दहेज के रूप में या अन्य कारणों की वजह से पति छोड़ देता है और महिला बेचारी जीवन यापन करना उसको कठिन हो जाता है, मुकदमा चलता है। हिंदू एक्ट की बात कर रहा हूँ अभी, जब बात कर रहे हैं तो हिंदू होने के नाते तो मेरा फर्ज बनता है कि पहले सबसे गंदगी अगर कहीं पर है तो अपने में साफ करूंगा और अपनी देखूंगा। इनका फर्ज ये बनता है पहले हिंदू बेटियों और बहुओं को फटी जींस पहनाएंगे, इनका हिंदू होने के नाते यही फर्ज बनता है कि हिंदू बहु बेटियों को पहले फटी जींस ये पहनाएंगे। शुरुआत करिए अपने घर से, अपने घर से शुरुआत करिए, मैं देखता हूँ आप चड्ढा पहनोगे, अपने घर से शुरुआत करिए, मैं देखता हूँ। मजबूर
अपने पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं को फटी जींस आरएफ भेजिए आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, मिश्रा जी यही तो कह रहे हैं कि घर से ही शुरुआत करनी है ना, तो घर से शुरुआत कर लीजिए। अपने पार्टी के दोनों टॉप के नेताओं को फटी, क्या बयानबाजियां देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी संदीप त्रिपाठी जी? अपने नेताओं को भी फटी जींस पहन के भाजपा के मित्र जो ये कह रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। अपने हिसाब से हमारी महिलाएं हमको अपनी महिलाओं पर, अपने घर की बच्चियों पर, अपनी बहनों पर, अपनी माताओं पर इतना विश्वास है जो हमारे संस्कार और सभ्यता की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती है, वो हमसे अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन पुरुष देखिए कांग्रेस की रोटी तोड़ते हुए आए हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, संजय राउत ने कंगना रावत के लिए कहा था हराम को, यशोदा बेन की बात कर लीजिए भाई, पुराना मामला है। और अगर महिला सुरक्षा देखनी है तो आप राजस्थान में देखिए, यशोदा बेन की बात कर लीजिए, पुराना मामला है। सजा की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए रेप करने वाले के ऊपर, ये तो पात्र सहयोगी सहयोगी है। और यहाँ बैठ कर महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, ठीक है मिश्रा जी, किस मुद्दे बात करेंगे? ठीक है मिश्रा जी, जवाब देना चाहते हैं। आप कोर्ट लागू कर दीजिए, आपकी सरकार है। जसोदा बेन एक पढ़ी लिखी महिला है इस देश की, उनकी अपने पति प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, श्री मोदी जी की शिकायत अपने पत्नी से कहीं नहीं है, इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता, कोई गलत भी नहीं है। अगर इनको इतनी तकलीफ है ना, मेनका गांधी को रात को 12 बजे घर से निकाला गया था, जरा उनको न्याय दिलाए, जरा उनको न्याय दिलाए ना, मेनका गांधी को सामान उनका पकड़ करके पहले यशोदा बहन का संदेश नहीं पहुंचा, मेनका गांधी का पहुंच गया घर में, आप झांकिएगा। अरे राम 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 राम, मेनका गांधी एक बहुत ही एक घर की, उनके सामान को उठा के घर के बाहर फेंक दिया गया, कभी उन्होंने कोई बयान दिया? जरा जरा उनको न्याय दिला दीजिए, आज तक वो न्याय की तलाश में भटक रहे हैं। अरे आपकी पार्टी में है, आप दिला दीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, बयान तो यशोदा बहन ने भी नहीं दिया कि उन्हें तकलीफ है। एक है, बिल्कुल है, मैं बताता हूँ कब बयान दिया और क्या बयान दिया, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ठीक है संदीप त्रिपाठी, बता रहा हूँ, सुनिए। मिश्रा जी के सवाल का जवाब दीजिए, नहीं होता है, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लेते संदीप त्रिपाठी जी। पत्रकार बंधु, हाफ चड्ढा मत पहनिए, फुल पर आ जाइए, सुनिए। अरे सर, हाफ चड्ढा पहनने से बेहतर है कि हाफ दिमाग, हाफ लॉजिक और हाफ तर्क मत रखिए। जैसे आपकी खोपड़ी हाफ रहती है ना, आधा खाली रहती है, पहनिए भाई, अंग्रेजों की दलाली मान के चलिए, करता रहा था। अब सुनिए, देखिए कितने सरकार पर प्रकार है, भाजपा के प्रवक्ता है, इसकी लुटिया डुबो रहे हैं। अरे मिश्रा जी, आप भाजपा के प्रवक्ता, अब चलिए ठीक है, आपको राष्ट्रपति टिकट मिल जाएगा, हम भी आपकी सिफारिश। जवाब ले लेते हैं मिश्रा जी, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी बात पूरी करिए अपनी। अभी अभी हमारे भाजपा के मित्र ये कह रहे थे कि जसोदा बेन जी ने सवाल कब उठाया, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने एक आरटीआई लगाई, आरटीआई में उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री के पत्नी को क्या अधिकार होते हैं, लेकिन उस आरटीआई का जवाब आज तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल उठाना नहीं तो और क्या है? आप ये बताइए, प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते उनको सुरक्षा का अधिकार है या नहीं? उनके साथ कोई भी घटना हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उनके साथ उनको एसपीजी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिल रहा? मिश्रा जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहती हूँ। प्रवक्ता ही होते हैं, भाषा से मतलब नहीं है, ये ऐसे प्रवक्ता है जो कभी स्कूल गए नहीं, मसी कागज छुए नहीं। एसपीजी प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिली? कांग्रेस पार्टी की लुटिया ऐसे ही प्रवक्ता डुबो रहे हैं, जो नाम धन है, पता नहीं इनको लेटर मिला है कि नहीं मिला है, अपने आप ये प्रवक्ता बन के बैठ रहे हैं, जिनको बोलने की भी तमीज नहीं है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, और लुटिया डुबोने के लिए कांग्रेस के लोग बैठे हैं। पत्रकार होकर निजी टिप्पणी किए जा रहे हैं, आप पत्रकार हैं, उस पत्रकारिता की गरिमा का ख्याल नहीं है।